Okay, so now we are going to start with a new topic of math, which is number ranking and time sequence test. ठीक है, most probably number and ranking वाला आज हो जाएगा. इसके questions comparatively quite easy होते हैं. It's all about कितनी जल्दी आप question को समझ के उसको solve करते हो. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. In this chapter, we deal with questions which are followed with the sequence consisting numbers, ranking and time. तो आपके पास एक sequence दिया गया होगा. उस सीक्वेंस में आपके पास नंबर्स रैंकिंग या टाइम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. वी हैव टू फाइंड आंसर्स बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस. द इंपॉर्टेंस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड एज देयर प्रेजेंस इन अ टेस्ट ऑफ रीजनिंग इज ऑलमोस्ट सर्टेन. बेसिकली कहना चाहता है कि कोई भी रीजनिंग का अगर टेस्ट होता है तो ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. एंड फाइनली दो नो एक्सप्लेनेशंस आर रिक्वायर्ड एज टू हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स. इसके टॉपिक्स के लिए आपको कुछ एक स्पेशल एक्सप्लेनेशन की एज सच जरूरत नहीं पड़ती है. आप अपने नॉर्मल क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग से भी इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, स्टिल हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमको टाइप पता चल जाए अप्रोच क्या होता है ना. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. पहले हम नंबर टेस्ट के क्वेश्चन से शुरू करते हैं. ठीक है, तो नंबर टेस्ट. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली अ सेट ग्रुप और सीरीज ऑफ नंबर्स इज गिवन एंड द कैंडिडेट इज आस्क्ड to trace out numbers following certain given conditions or lying at specific mentioned positions after shuffling according to a certain given pattern. बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, but मोटा मोटी ये कह रहा है कि आपको इसके जो questions मिलेंगे उसमें आपके पास एक series मिलेगा number का और उसमें आपको कुछ certain condition दिया गया होगा. उस condition के according जो भी series है उसमें ही आपको उसको आगे आने वाले मान लो number को find out करना है या कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन वाले नंबर को फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली. चलो इसे पढ़ो सब कोई, ट्राई करो सॉल्व करने का. तो त्र्यंबकेश्वर का आंसर आ चुका है. त्र्यंबकेश्वर दोनों डायरेक्शन से देखना होता है, लेफ्ट टू राइट भी देखना है आपको, राइट टू लेफ्ट भी देखना है. ठीक है, अपूर्व का आंसर आ चुका है, आर्यन का आंसर आ चुका है. रौनक का आंसर आया है, तानिया का आंसर आया है, वर्चुअल का आंसर आ गया है. चलो सात आठ लोगों का आंसर आ चुका है अभी तक, दैट्स क्वाइट गुड. एवरीवन पार्टिसिपेट, है ना. यहाँ पे मैंने एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया कि कैसे सॉल्व करना है. क्वेश्चंस में सीधा हम लोग टाइप्स देखेंगे एंड अप्रोच देखेंगे. निखिल और अनीश का भी आंसर आ चुका है, परफेक्ट. साकेत का भी आंसर आ गया, ओके. तो एवरीवन इज गेटिंग वन, एक का आंसर आया बस ऑप्शन सी, बाकी सबको वन आ रहा है. सुमित का भी आंसर आ गया. गर्ल्स आई थिंक जितनों का भी रिप्लाई आया ऑल आर बॉयज. व्हाट हैपेंड टू द गर्ल्स, सो रहे हो सर, हैं? अब एक्सेप्ट अपूर्वा, आई डिडंट रिसीव द, अच्छा अपूर्वा और तानिया का रिप्लाई आया. इनफैक्ट बाकी कौन कौन है यहाँ पे, बहुत सारी गर्ल्स हैं यहाँ तो. अनन्या, दृष्टि, खुशी, कुलसुम, नखत,
Anisha, what happened? Solve nahi ho raha. Okay, suno. कह रहा है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट्स, कितने सारे ऐसे पेयर ऑफ डिजिट्स हैं इन द नंबर दिस 4215793368 ईच ऑफ विच हैज एज मेनी डिजिट्स बिटवीन देम इन द नंबर एज व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो कह रहा है कि इस नंबर में ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनके बीच में उतने ही डिजिट होंगे जितना इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद होगी. तो चलो पहले इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कर दिया अरेंज. अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले त्रंबकेश्वर को बताया था दैट स्टूडेंट्स वी हैव टू लुक फ्रॉम बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड से भी देखना है एंड राइट हैंड साइड से भी देखना है. तो अगर आप इसको राइट से देख रहे हो तो 2 1 है ना, ये देखो ये एक पेयर है. क्यों? क्योंकि 2 और 1 के बीच में उतने ही डिजिट्स हैं जितने असेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद. 2 और 1 के बीच में कोई भी डिजिट नहीं है, यहाँ पे भी 2 और 1 के बीच में कोई भी डिजिट नहीं है. तो हमारा एक पेयर कौन सा हो जाएगा, 2, 1 वाला पेयर एक हो जाएगा. और ऑब्जर्व करो, अगर हम और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो ये देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, बीच में 5 6 7 8, ये वाला कलर चेंज करते हैं. 4 के साथ 9 का पेयर देखो तो बन रहा है क्या, बताओ यस और नो. 4 के साथ 9 का पेयर बन रहा है, बन रहा है ना. क्यों? क्योंकि 4 और 9 के बीच में कितने गैप्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, या 4 और 9 के बीच में कितने डिजिट्स दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं ना, 2 1 5 7. और यहाँ पे भी देखो 4 और 9 के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं. तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. ठीक है, आई बात समझ में क्या आप सबको? आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. क्लियर? अच्छा, और भी फिगर आउट करो, सोचो सबको ही. अब आपको आइडिया लग गया है ना, चलो ट्राई करो तो मेरे को बताओ अभी सब. और भी कोई पेयर बच रहा है क्या, देख के बताओ सब. सबको ही देखो अच्छे से. अक्षर ने बोला है 1 and 6, कुलसुम ने बोला है 1 and 6, तनिषा कह रही है 1 and 6, परफेक्ट. तो ये 1 और यहाँ पे 6, कितना गैप है इनके बीच में, 1 2 3 4 लेटर्स का गैप है. और यहाँ पे भी अगर मैं 1 और 6 को देखता तो कितने का गैप आता, 4 का गैप आता. तो 1 6 हमारा अगला पेयर बन गया. ओके, त्रंबकेश्वर कह रहा है 2 और 5. त्रंबकेश्वर लेकिन 2 और 5 के बीच में हमको यहाँ हमारे ओरिजिनल नंबर में कितना गैप दिख रहा है, सिर्फ एक. 2 और 5 के बीच में एक का गैप है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको 2 और 5 के बीच में कितना गैप दिख रहा है, 2 डिजिट्स का गैप दिख रहा है ना. तो वो नहीं होगा, इसलिए 2 और 5 हमारा पेयर नहीं बनेगा. आई बात समझ में? अली कह रहा है 4 and 7. अली 4 और 7 के बीच में देखो कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, वी आर हैविंग 3 नंबर, राइट, 2 1 5. सो बेसिकली वी आर हैविंग अ गैप ऑफ 3 टर्म्स और 3 डिजिट्स बिटवीन 4 and 7. बट वेन यू लुक एट द असेंडिंग ऑर्डर, Do you get the same number of places in between 4 and 7? No, right? We get only 2 digits in between 4 and 7. While in the original number, we have 3 digits between 4 and 7. And that is why it does not satisfy the condition of the question. So we cannot consider it as one pair. Clear? Tanisha keh raha, sir, middle mein koi sa digit ho, ye matter nahi karta. Only वो कितने नंबर पे आ रहा है ये करता है. एग्जैक्टली, यू हैव टू लुक एट द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, उनके बीच में कितने डिजिट्स का गैप आ रहा है, हमको बस ये चेक करना था. बीच में सलमान खान भी आ जाए हमको काउंट नहीं करना है. क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो द पॉइंट इज कि और कोई पेयर फिर बन रहा है क्या स्टूडेंट्स, और कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, राइट, नहीं बन रहा. तो इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या मार्क करना होगा, सब काम तो मैंने कर दिया, अब ये तो सी बोल ही दो आप लोग. ठीक है, चलो, आई बात समझ में ना. पहली बार कर रहे थे तो मैक्सिमम लोगों का आंसर 1 आया, दैट्स कंप्लीटली फाइन. प्रोसेस समझ में आया ना कैसे सॉल्व करना है, प्रोसेस समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, इट इज जस्ट दैट यू वेर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट इज व्हाई यू डिड मिस्टेक.
बट अगर आपको एक अब सिमिलर क्वेश्चन अगली बार आएगा तो आपसे वो गलती नहीं होगी, क्योंकि अब आपने इसको कर रखा होगा, है कि नहीं? चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ट्राई कीजिए अब इस क्वेश्चन को। पढ़ो क्वेश्चन को, सब अलग अलग क्वेश्चन होंगे एक दूसरे से थोड़े थोड़े, ठीक है? So, some of you are getting B, some of you are getting C. मैं थोड़ी देर में आंसर बताऊंगा। I want at least 50% of the students to participate. चलो तो 23 लोगों का मैसेज आ गया मेरे को। चलिए तो मैक्सिमम ऑफ यू आर गेटिंग बी, सम ऑफ यू आर गेटिंग सी, है ना? तो चलो समझते कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है जिनको नहीं समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी फोर्स आर देयर प्रीसीडेड बाय 7। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे चैट में बताओ प्रीसीडेड का मतलब क्या है। बिफोर, राइट? प्रीसीडेड मतलब बिफोर, पहले, फॉलोड बाय बाद में। तो इसका मतलब है ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कितने नंबर्स, ऐसे कितने फोर्स हैं, ऐसे कितने फोर हैं जिनके पहले 7 आ रहा है, जिनके पहले 7 आ रहा है बट नॉट फॉलोड बाय 3, बट नॉट फॉलोड बाय 3। इसका मतलब नीचे क्या होगा, एनीथिंग एक्सेप्ट 3, एनीथिंग एक्सेप्ट 3। सो व्हाट यू नीड टू डू स्टूडेंट्स इज आप ऐसे नंबर्स को ऐसे पहले पहचानो कि 74 कहां दिख रहा है। जल्दी जल्दी देखो 74 कहां दिख रहा है। ये देखो 74 दिख रहा है। अब अगला नंबर 3 नहीं होना चाहिए, तो अगला नंबर 3 नहीं है, 2 दिख रहा है, तो दिस इज वन सच पेयर। फिर ये देखो 74, अगला नंबर 3 नहीं होना चाहिए, 746। यहां देखो 74, अगला नंबर 3 नहीं होना चाहिए, 741। यहां देखो 74, लेकिन अगला नंबर 3 हो रहा है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते। एंड फाइनली यहां देखो 746, 74 के बाद 6 आ रहा है, तो कितने आ गए, 1 2 3 4। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा चैट इज ओपन फॉर एवरीवन, हुआ है, चलो इसको ऑफ कर देता हूं। इज दिस क्लियर? तो कैसे कैसा फंडा होना चाहिए इन सब के लिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन को जब देखेंगे फटाफट पैटर्न समझ लेंगे कि 4 के पहले अपन को क्या चाहिए। तो 4 के पहले अपन को चाहिए 3 चाहिए, राइट? 4 के पहले, सॉरी 4 के पहले अपने को 7 चाहिए, लेकिन 4 के बाद 3 नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, ओके, सो मेजोरिटी ऑफ यू आर गेटिंग ए एज द आंसर, राइट? हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7। मतलब 5 के पहले क्या आना चाहिए, 5 के पहले आना चाहिए 7, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 6, मतलब 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6। इसका मतलब है मेरे को 756 देखना है, 756। तो ये 755 हो रहा है, ये 764 हो रहा है,
ये 756 एक्सेप्टेड, ये 764 रिजेक्टेड और ये 78 नहीं बना, तो कितना आया, सिर्फ एक ही आया ना, ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके आई थिंक अब आइडिया लग गया ना कि okay. देखो क्वेश्चन नंबर टू कर चुके थे तो थ्री करना कितना आसान हो गया था ना हमारे लिए, बिकॉज वी न्यू व्हाट वी हैड टू डू राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अभी मैं स्किप कर सकता हूँ ना, ये मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रखे हुए। चलो इसको ट्राई करो अब, चला डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स, मतलब फाइव और सिक्स दोनों के लिए सेम इंफॉर्मेशन है। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फाइव थ्री डिजिट नंबर्स गिवन बिलो, फाइव थ्री डिजिट नंबर्स, वो कैसे पता चलेगा, तो 519364287158 एंड दिस, फाइव थ्री डिजिट नंबर्स। ओके वेरी गुड, अली का आंसर आया है, पीयूष का आंसर आया है, किशन का आंसर आया है। अली पीयूष वैसे आपने जो आंसर दिया है वो तो शायद ऑप्शन में नहीं है, अली कह रहा है सर इट शुड बी टू, देखते हैं अली हो सकता है, इट्स पॉसिबल कि ऑप्शन गलत हो। गाइस शुड आई डिस्कस, आई थिंक यू गॉट सफिशिएंट टाइम फॉर दिस क्वेश्चन राइट। क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट Within each number are interchanged. पहला डिजिट और तीसरे डिजिट को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो एक चीज देखो, अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक या तो पूरा का पूरा नंबर लिखो या फिर पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। If the positions of the first and the third digit within each number are interchanged, which of the following will be the third digit of the second lowest number? अब स्टूडेंट सेकेंड लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, अगर हम 519 को उल्टा करेंगे तो 900 कुछ होगा, 364 को उल्टा करोगे तो 400 कुछ होगा, है ना, मतलब ये होगा 9xx, ये हो जाएगा 4xx, ये हो जाएगा 7xx, 700 समथिंग, ये हो जाएगा 800 समथिंग और ये हो जाएगा 500 समथिंग। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर 400 समथिंग होता, सेकेंड लोएस्ट नंबर आपका 500 समथिंग होता, है ना, ये वाला, मतलब ये नंबर 835 को उल्टा करते तो आपको मिलता 538। अब सवाल यही पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर, तो सेकेंड लोएस्ट नंबर तो आपका ये हुआ ना इंटरचेंज करने के बाद, तो उसका थर्ड डिजिट कौन सा है, उसका थर्ड डिजिट फाइव होगा कि नहीं होगा, राइट एक मिनट, इफ द पोजिशन द इंटरचेंज, अच्छा सॉरी नॉट फाइव, द आंसर विल बी एट, व्हाई शुड द आंसर बी एट, बिकॉज दे हैव गिवन अ कंडीशन ना दैट इफ द पोजीशंस आर इंटरचेंज, इफ द पोजीशंस आर इंटरचेंज सो यू नाउ यू विल गेट अ न्यू सीरीज, वो न्यू सीरीज में पहला थ्री डिजिट नंबर 900 वाला होगा, फिर 400, फिर 700, फिर 800, फिर 500, अब उसमें से जो सेकेंड लोएस्ट नंबर है उसका थर्ड डिजिट पूछा हुआ है, तो इसलिए हमको क्या मार्क करना होगा, एट, इसका मतलब यहाँ पे ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, यहाँ पे ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी,
मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर किसी भी तरीके का डाउट है आप बिंदास अनम्यूट करके पूछ सकते हो। रिकॉर्ड पर रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं ये कह रहा था साकेत कि यहाँ पे पहले सवाल ने कंडीशन दिया ना, कंडीशन क्या दिया है कि आप हर एक 3 डिजिट नंबर के पहले डिजिट और तीसरे डिजिट को इंटरचेंज कर दोगे। तो जब आप उसको इंटरचेंज करोगे तो जैसे पहला वाला हमको कौन सा नंबर दिख रहा है, हमको दिख रहा है 519, 5 by 9 को उल्टा करोगे तो 915 बन जाएगा, 900 समथिंग हो जाएगा। दूसरा है 364, उसको उल्टा करोगे 400 समथिंग हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 700 समथिंग, यहाँ से 800 समथिंग और यहाँ से 500 समथिंग हो जाएगा। तो अब आपने एक नया सीरीज बना दिया, उस नए सीरीज में सेकेंड लोएस्ट नंबर कौन सा होगा? सबसे लोएस्ट तो 400 वाला होगा, सेकेंड लोएस्ट 500 वाला होगा। तो 500 वाला जो सेकेंड लोएस्ट नंबर है उसका कौन सा डिजिट पूछा है? उसका थर्ड डिजिट पूछा हुआ है। तो 538 का थर्ड डिजिट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे ऑप्शंस गलत होंगे एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 8। अब समझ में आ गया साकेत आपको? अपूर्व क्लियर है अभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट इस सीक्वेंस के लिए सेम 5 और 6 का तो इन्फॉर्मेशन सेम था ना, सेम सीरीज था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑफ दिस नंबर्स? मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं मेरे को, मल्टीपल आंसर्स, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। मैक्सिमम पीपल का आंसर आ रहा है सी, उसके बाद लोगों का आ रहा है ए, तो कंप्यूटर जी ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए एंड लेट्स सी क्या है आंसर। ओ करेक्ट जवाब, मेजोरिटी का आंसर सही है। ओके चलो अब लॉजिक समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड लोवेस्ट, पहले तो इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है इस तरीके से। तो पूछा है कि सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, तो इसमें लोएस्ट नंबर तो ये हो जाएगा ना, एंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? हाईएस्ट नंबर ये वाला हो जाएगा। तो अब इसका मिडिल डिजिट कौन है? इसका मिडिल डिजिट है 5, इसका मिडिल डिजिट कौन है? 3। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा? 5 - 3 2 हो जाएगा ना, यही तो पूछा था सवाल ने। सवाल ने पूछा था कि जो 5 हमारे पास 3 डिजिट के नंबर्स हैं, इनमें से सबसे लोएस्ट नंबर का मिडिल नंबर मिडिल डिजिट और सबसे बड़े नंबर का मिडिल डिजिट, इनको माइनस करना था, डिफरेंस करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है रौनक,
ठीक है, आंसर नहीं आ रहा सो मे बी नन। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ टू डिजिट ऑड नंबर, टू डिजिट ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग द सेकेंड, सेकेंड डिजिट इज थ्री, फोर्थ डिजिट इज सिक्स, सेवेंथ डिजिट इज वन, तो 361 को यूज करके, 316 है ना, सॉरी 316, तो गाइस 316 को यूज करके आपको देखना है कि क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो देखो एक तो 316 हो गया, अरे यार सबको अगर पता है तो थ्री से शुरू होने वाला, पहले वन से देखते, तो 163, 136, थ्री से शुरू हुआ 316, 361, सिक्स से शुरू वाला 613 एंड 631। अब आप लोगों ने लोअर क्लासेस में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वगैरह पढ़ रखा है ना, तो कुछ बेसिक चीजें तो आपको याद होनी चाहिए कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7, 8 पे एंड नहीं करता, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों किस पे एंड कर रहे हैं, ये दोनों थ्री पे एंड कर रहे हैं। अब आ जाओ 136, 136 नहीं हो सकता क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 136 तो 121 और 144 के बीच में आ रहा है, मतलब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। सेम लॉजिक से अगर हम 361 की बात करें तो 17 का स्क्वायर इज 289, 18 का स्क्वायर इज 324, तो ये 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अगर आप 361 को देखोगे तो इट इज एक्चुअली 19 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका 19 का स्क्वायर होता है। तो जैसे हमको पता चल गया कि ये 19 का स्क्वायर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड डिजिट ऑफ द टू डिजिट ऑड नंबर। नाउ सिंस द ऑड नंबर इज 19, सिंस द ऑड नंबर इज 19, तो इसका सेकेंड डिजिट क्या है, इसका सेकेंड डिजिट है 9, तो इसीलिए सेकेंड डिजिट हो जाएगा 9। अक्षर ने हैंड रेस किया है, यस अक्षर। सर यहाँ पे तीन डिजिट दिया हुआ है तो यही मिडिल टर्म होगा, तीनों में से कोई एक, या तो थ्री होगा या तो वन होगा या तो सिक्स होगा, ऑप्शन में सिर्फ थ्री है तो थ्री मार्क कर। नहीं, बट सवाल क्या पूछा हुआ है, सवाल पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड डिजिट ऑफ द टू डिजिट ऑड नंबर, ना दैट टू डिजिट ऑड नंबर, मतलब कि आपको 361 को यूज करके एक ऑड नंबर का स्क्वायर बनाना था, और उस ऑड नंबर, जब आपने उसको ऑड नंबर का स्क्वायर बना दिया तो फिर उस ऑड नंबर का सेकंड डिजिट निकालना था, तो 316 को यूज करके हमको पता चला कि इससे 19 का स्क्वायर बनाया जा सकता है, सो द ऑड नंबर इज 19 एंड सो द सेकंड डिजिट ऑफ 19 विल बी 9। गेटिंग दिस, द क्वेश्चन इज नॉट टू फाइंड आउट द मिडिल डिजिट ऑफ 316, है ना, इट इज टू फाइंड आउट द दैट ऑड नंबर हुज स्क्वायर विल यू विल ऑब्टेन फ्रॉम 316। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट देखो टाइम हो रहा है 4:32, है ना, 30 मिनट्स क्लास के जा चुके हैं, मैंने 10 क्वेश्चन रखे थे टोटल, तो अभी 8 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और अब हम चलते हैं रैंकिंग टेस्ट के ऊपर। मैं क्लास के बाद ये फाइल अपलोड कर दूंगा, तो पहले 7 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अगले 3 में आई डोंट थिंक आपको कुछ खास दिक्कत होगी, बट अगर होगा तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो अब मैं रैंकिंग टेस्ट से शुरू करता हूँ, विच इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, क्लियर, और इसमें थोड़ा सा हमको समझने में भी टाइम लगेगा। तो रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन में क्या रहेगा, सच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ जनरली द रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम बोथ द टॉप एंड द बॉटम आर गिवन, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा ना, किसी भी आदमी का रैंक का बात किया जाएगा टॉप से एंड बॉटम से, दोनों जगह से। Now there may be questions like how many persons or things are there, मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लो क्वेश्चन ने बता दिया कि एक, जैसे मान लो आपकी क्लास है ना, आपकी क्लास में लेट्स से 35 स्टूडेंट्स है, तो उन 35 स्टूडेंट्स में से लेट्स से आर्यन का जो रैंक है वो ऊपर से 10th पोजिशन पे आ रहा है, तो क्लास में 35 स्टूडेंट्स है, आर्यन का रैंक ऊपर से 10th पोजिशन पे आ रहा है, तो नीचे से रैंक कितना होगा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर। ठीक है, तो मैं ऐसा दो क्वेश्चन लिख देता हूँ मेनली, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, इफ द रैंक ऑफ आर्यन फ्रॉम द टॉप इज 10th, देन
what is the rank of Aryan from the bottom? This is one of the questions. दूसरा question होता है, is the rank of Aryan from top and bottom is 15 and 27 respectively, then what is the total number of students in the class? ठीक है, तो दीज आर द टू क्वेश्चन ब्रॉडली विच कम्स इन दिस टॉपिक. ओके, एंड वी जस्ट हैव टू लुक एट अ सिंपल फंडा. सिंपल सा फंडा, वेरी गुड अर्जुनराज. अब वो सिंपल सा फंडा क्या है जानते हो? उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं. मान लो यहाँ पे मैंने चार लोग रखे हुए, ठीक है, ए बी सी डी. मैं क्या करूंगा, मैं चूज करूंगा, मान लो ये लोग है, ठीक है, ए बी सी डी. यहाँ पे लिख रहा हूं पर्सन, यहां पे लिखूंगा रैंक, रैंक फ्रॉम लेफ्ट, यहां पे कहूंगा रैंक फ्रॉम राइट, रैंक फ्रॉम राइट, और यहां पे सम ऑफ रैंक. बहुत हद तक वो अल्फाबेट सीरीज हमने डिस्कस किया था ना, उसके जैसा आपको दिखेगा. तो जैसे ए हो गया, जल्दी से बताओ चैट में, ए का लेफ्ट से रैंक कितना है? ए का लेफ्ट से रैंक कितना है? इट इज वन, राइट? एंड राइट से रैंक कितना है? राइट से कितना है? वन टू थ्री फोर. सम ऑफ रैंक कितना हो गया फिर? वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव. अब दूसरे का देखते हैं, बी का. बी का लेफ्ट से रैंक कितना है? इट इज टू, है ना? वेरी गुड, कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग लाइक दिस. ऐसे मैसेजेस आते रहने चाहिए क्वेश्चन रिलेटेड. राइट से क्या होगा रैंक? राइट से डी सी बी, थर्ड पोजिशन. तो एड करोगे तो कितना आ रहा है? टू प्लस थ्री फाइव, है ना? सिमिलरली एक बार सी का भी देख लिया जाए, तो सी का इस बार लेफ्ट से कितना पोजिशन आ रहा है? थ्री. राइट से कितना पोजिशन आ रहा है? टू. तो थ्री प्लस टू कितना हो गया? थ्री प्लस टू हो गया फाइव. क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो स्टूडेंट्स? व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन आउट हियर? क्या वो अल्फाबेट सीरीज जो मैंने आप लोग को बताया था, जहां पे हमने एक लेटर का पोजीशन लेफ्ट और राइट से देखते थे, कुछ उसी के जैसा है क्या? उसी के जैसा है ना, ठीक है. तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? द ऑब्जर्वेशन इज सम ऑफ रैंक, सम ऑफ रैंक, रैंक्स of a person from sum of ranks of a person from both sides is equal to total number of persons plus one. है कि नहीं? जो मेरा observation है या आपका observation है वो ये कि ऐसे cases में राइट का जो रैंक है प्लस लेफ्ट का जो रैंक है वो हमेशा आपका टोटल नंबर ऑफ पीपल से एक ज्यादा आएगा. है कि नहीं? राइट से जो रैंक है प्लस लेफ्ट से जो रैंक है वो हमेशा क्या आने वाला है? वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ पीपल से एक ज्यादा आएगा. अब देखो, ये मैंने हॉरिजॉन्टल रखा है, अब जरा ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको अगर हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल कर दिया होता तो क्या चेंज होता? ए बी सी डी अगर मैंने ऐसे कर दिया होता तो क्या ये चेंज होता? नहीं होता ना, बिकॉज अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से फर्स्ट है, नीचे से देखोगे तो नीचे से फोर्थ है, बी को ऊपर से देखोगे तो सेकंड है, नीचे से देखोगे तो थर्ड है, सी को ऊपर से देखोगे तो थर्ड है, नीचे से देखोगे तो सेकंड है, एंड डी को ऊपर से देखोगे तो फोर्थ है, एंड नीचे से देखोगे तो फर्स्ट है. राइट, सेम चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा? सेम चीज बन रहा है, ठीक है. तो द पॉइंट इज कि कभी भी
मान लो मैं अगर अब एक काम करते हैं, वो जो सवाल मैंने लिखा था ना, अब उस सवाल का आंसर करते हैं। तो ये वाला सवाल जो था ना कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स इफ द रैंक ऑफ आर्यन फ्रॉम द टॉप इज 10 देन व्हाट इज द रैंक ऑफ आर्यन फ्रॉम द बॉटम। क्या एक बार आप इसका आंसर बता सकते हो? अभी आंसर बता सकते हो क्या? देखो 25 और 26 के बीच में कंफ्यूज हो गया आप लोग, केयरफुल रहना। 24, 25, 26 ये तीन ऑप्शन है जिसके बीच में लोग कंफ्यूज होंगे। तो देखो लोग गलती कर रहे हैं, गलती हो रही है। देखो क्या गलती हो रही है, टॉप से रैंक कितना है 10, बॉटम से रैंक को x मानते हैं। यहां पे छोटा करके सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। सो लेट द रिक्वायर्ड रैंक बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड रैंक बी एक्स। तो कैन आई से स्टूडेंट्स दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 10 क्या हो गया, सम ऑफ रैंक हो गया कि नहीं? 10 इज द रैंक फ्रॉम द टॉप, x वी हैव अज्यूम टू बी द रैंक फ्रॉम द बॉटम, सो x प्लस 10 वुड मीन सम ऑफ द रैंक। एंड व्हाट डिड वी ऑब्जर्व हियर? वी ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द रैंक इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1. It is always equal to total number of persons plus 1. So what is the total number of persons in this case? Is case mein total number of persons kitna hoga? That will be equal to the total number of students. That is 35. Aur us 35 se kya hona chahiye? Ek zyada hona chahiye. So finally students, x plus 10 is equal to 46 hua. To x ka value kitna nikal kar aayega? Sorry. Yahan pe 46 nahi, 36 likhunga na. तो x plus 10 is equal to 36, तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 26 आएगा कि नहीं आएगा? 26 आएगा, राइट? इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? अपूर्वा पूछ रही है सर why 36? अपूर्वा बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व दैट सम ऑफ रैंक, देखो ना यहाँ पे हर जगह पे ये एग्जाम्पल में रैंक 5 आ रहा था अपूर्वा, लेकिन कितने लोग थे? ए बी सी डी, चार लोग थे। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो सम ऑफ रैंक होता है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ पर्सन से एक ज्यादा आएगा, हमेशा टोटल नंबर ऑफ पर्सन से एक ज्यादा आएगा, राइट? तो अपूर्वा यहाँ पे क्योंकि क्लास में 35 स्टूडेंट्स था तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 35 हो गया, तो इसीलिए 35 प्लस 1, इसीलिए 35 प्लस 1। इज दिस क्लियर नाउ? Sum of rank will be always equal to total number of persons plus 1. Apurva, can I proceed further? हाँ, आपका answer इसलिए 25 आ रहा था क्योंकि आपने 35 plus 1 नहीं किया था, आप 35 रखे थे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया था? हमने ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ रैंक जो है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ पीपल से एक ज्यादा आता है, ठीक है? इट्स ओके। चलो जल्दी से एक बार मुझे सेकंड क्वेश्चन सबको सॉल्व करके बताओ। तो सेकंड क्वेश्चन, इफ द रैंक ऑफ आर्यन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम इज 15 एंड 27 रिस्पेक्टिवली देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, तो पीयूष आर्यन का आंसर आ चुका। देखो अब फिर से तीन आंसर आते हैं, 41, 42, 43, इसी तीन में लटको गया, 41, 42, 43, इसी में से कोई एक आंसर आएगा। द आंसर इज एक्चुअली, पता है क्या, पोल मैंने किया नहीं है, नहीं तो पोल करता ना तो अभी इसमें मजा आ जाता। देखते आप लोग कितने लोग गलत आंसर मार्क कर रहे हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 41. Why 41? Because sum of rank अगर करोगे ना यहाँ पे, sum of rank is equal to total number of people plus 1. तो यहाँ पे अगर आप sum of rank करोगे तो वो आएगा आपका 15 plus 27. तो 15 प्लस 27 आपका टोटल से एक ज्यादा होगा,
तो 15 प्लस 27 तो 42 हो गया, और वो प्लस 1 को राइट से लेफ्ट में लाओगे कि नहीं लाओगे, तो 42 माइनस 1 ना टोटल हुआ, तो 42 माइनस 1 कितना हुआ, 41 हुआ कि नहीं हुआ, आया समझ में आप सबको? फॉर्मूला तो वही था ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड का टर्म निकालने दिया था, इस क्वेश्चन में मैंने आपको राइट हैंड साइड का टर्म निकालने दिया, फॉर्मूला तो दोनों जगह सेम लगा है ना, तो आप खुद को इस चीज में कंफ्यूज मत करो। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, राइट। चलिए चलो तो इस क्वेश्चन को करो। ओके, सो मनीष, अली, तनिषा, रजनीश, श्रेयस का आंसर आ चुका है। कुलसुम का भी आंसर आ चुका है। खुशी का आंसर आ गया। प्रज्वल का आंसर आ गया। चलो तो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। ये कह रहा है इन अ रो ऑफ बॉयज ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। ए का पोजीशन क्या है? 10th फ्रॉम लेफ्ट। बी का पोजीशन कितना है? 9th फ्रॉम राइट। 9th फ्रॉम राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए, अब इन्होंने इंटरचेंज कर लिया पोजीशन। इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज करने का मतलब है अब बी यहां हो जाएगा और ए यहां आ जाएगा, है ना? बी यहां हो जाएगा एंड ए यहां हो जाएगा। तो आफ्टर इंटरचेंज ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। लेकिन इंटरचेंज करके ए जो 15th फ्रॉम द लेफ्ट आया स्टूडेंट्स, ए किसके पोजीशन पे गया? ए तो बी के पोजीशन पे गया ना। इसका ये मतलब हुआ कि जब इंटरचेंज के करने के बाद अगर ए 15 फ्रॉम द लेफ्ट था, इसका मतलब ओरिजिनली बी आपका 15 फ्रॉम द लेफ्ट था। तो इसका ये हो जाएगा कि बी इज, इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो बी है वो 9th फ्रॉम द राइट भी है एंड 15th फ्रॉम द लेफ्ट भी है। तो हमको बी का दोनों साइड का पोजीशन पता चल गया, और जब बी का हमको दोनों साइड से पोजीशन पता चल गया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमेशा सम ऑफ रैंक माइनस 1 ही रहेगा ना। तो सम ऑफ रैंक करोगे 9 प्लस 15, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बिकम द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? ब्लू कलर से जो लिखा हुआ था वो था इनिशियल पोजीशन, फिर क्या हुआ, ए और बी ने अपना पोजीशन इंटरचेंज किया, जिसके कारण ए कहां पे आ गया? ए हो गया 15th फ्रॉम द लेफ्ट। लेकिन ए तो बी के जगह पे ना आया है, मतलब बी ओरिजिनली कहां पे था? 9th फ्रॉम द राइट भी था और उसी टाइम पे 15th फ्रॉम द लेफ्ट भी था। तो बी का हमको दोनों साइड से पोजीशन पता चल गया ना, और जब हमको बी का दोनों साइड से पोजीशन पता चल गया तो सम ऑफ द पोजीशंस जो रहेगा वो टोटल से हमेशा एक ज्यादा रहता है ना, है कि नहीं? तो टोटल हो जाएगा सम माइनस 1। क्या ये चीज सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? जल्दी से आगे बढ़े फिर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ये तो चिंदी क्वेश्चन हो गया, जल्दी जल्दी इसका आंसर बता। ये तो फटाफट आंसर आ जाना चाहिए।
राइट, ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयुषी 31 नहीं, आयुषी 32 होगा ना, निखिल 32 होगा। वाई 32? बिकॉज आप लोग ये टोटल है ना, दिस इज योर टोटल, तो टोटल में हमेशा वन ऐड करना है, ध्यान रखना, टोटल में हमेशा वन ऐड करना है, क्लियर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, ये तो बिना पेन और पेपर के बता दोगे आप सब, बिना पेन और पेपर के। अपूर्व दिख रहा है, गलती होगी तो बता दूंगा। जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स, टाइम ज्यादा नहीं है, हरी अप। ये तो आप लोग बिना पेन और पेपर के बता दोगे। अ क्लास ऑफ बॉय स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, वन बॉय इज 19 फ्रॉम बोथ एंड्स, 19 फ्रॉम बोथ एंड मतलब 19 फ्रॉम लेफ्ट भी है, 19 फ्रॉम राइट भी है, तो टोटल प्लस वन हमेशा क्या होगा, टोटल प्लस वन आपका लेफ्ट से भी पोजिशन प्लस राइट से पोजिशन, तो यहाँ से टोटल प्लस वन, टोटल प्लस वन ये आ रहा है आपका 38, तो टोटल कितना होगा, 37 होगा कि नहीं होगा, टोटल 37 हो जाएगा ना, ठीक है, द आंसर विल बी 37, 39 भी लिखा है किसी ने जल्दी जल्दी में, है, याद रखो वन कहां पे ऐड होगा, वन विल ऑलवेज बी एडेड विथ टोटल, वन विल ऑलवेज बी एडेड विथ टोटल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, हाँ जी इसको कीजिए, मनीष श्रेयस का आंसर आ चुका, पीयूष का आंसर आ चुका, अनीश का आंसर आ गया, पूर्वा चेक करो, अली का आंसर आ गया, रजनीश का आंसर आ गया, आर्यन राज एक बार चेक करना, समीर एंड प्रज्वल का आंसर आ चुका है, रौनक तिवारी का आंसर आ चुका है, किशन का आंसर आ गया, अक्षर का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, यू गाइज हैव टू बी वेरी फास्ट, अनिशा गॉट द आंसर, ओके, तो बेसिकली अनु का जो पोजिशन है वो ऊपर से सेवेंथ है, एंड जो विजय है उसका ऊपर से पोजीशन कितना है, उसका ऊपर से पोजीशन दिया हुआ है सेवेंथ, इलेवेंथ। अब मान लो स्टूडेंट्स कि अनु का राइट से जो पोजीशन है बॉटम से, उसको एक्स मान लो और यहां पे विजय के लिए वाई मान लो, तो सेवन प्लस एक्स ये कितना होना चाहिए, 31 प्लस वन होना चाहिए कि नहीं, टोटल से एक ज्यादा, दिस इज नाउ द टोटल 31 स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32, 31 प्लस 1, तो एक्स का वैल्यू आया 25, 25 आया मतलब ऑप्शन सी, बाकी वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी कितना होना चाहिए था 31 प्लस 1, तो यहाँ से 11 प्लस वाई कितना आया, 11 प्लस वाई आएगा 32, तो यहाँ से वाई कितना हो जाएगा, वाई विल बी इक्वल टू 21, मतलब कि बॉटम से पोजीशंस क्या होगा 25 एंड 21। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, नाउ आ गया समझ में ना, एक ही फॉर्मूले पे पूरा रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चंस बेस्ड है, एक ही फॉर्मूले के ऊपर। अपूर्व पता चल गया अपना गलती, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इट्स 4:54, आई विल हैव टू एंड द क्लास हियर नाउ। इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन और रखे हुए हैं, आप अपना प्रैक्टिस क्लास के बाद इस फाइल को डाउनलोड करके आप बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन है टोटल, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है, 10, हाँ 10 क्वेश्चन है इसमें भी, तो अगर कोई आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है, ग्रुप पे पूछ लेना, ग्रुप पे बाकियों को भी हेल्प हो जाएगा, ओके, चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में विद अ न्यू टॉपिक, टेक केयर।
Have a nice day, Rajnish. Bye bye.